उनका रूप देखते ही लग रहे थे। भगवान शिव कैसे पहुंचे हैं? भस्म चिता की राख को लपेटे हुए और गले में सर्प की माला है, जटाजूट ये लपेटे हुए। आखिर इसका क्या अर्थ है? क्या भगवान शिव जानबूझ करके मैना को वह रूप दिखाना चाहते थे? उस तरह से पहुंचने का क्या अर्थ है? लेकिन अगर इस पर एक और दृष्टि डाले तो दिखाई देता है कि जो समाज की परंपरा बन जाती है, किसी आधार पर मान लीजिए एक परंपरा बनी, तो वह समय रहते या समय के बदलाव के साथ उन मर्यादाओं में भी बदलाव आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु अपने प्रत्येक स्वरूप में आकर मर्यादा के नए मापदंड स्थापित करते हैं, कालखंड के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार, समाज को जीने की जो दिशा देनी है उसके हिसाब से उनका चरित्र है। लेकिन जब मर्यादाएं एक कालखंड के बाद जब उनकी आवश्यकता या उनमें बदलाव की आवश्यकता हो जाती है, फिर भी समाज जब उन्हें जकड़े रखता है तो वही मर्यादाएं तो रूढ़ियों में बदलती हैं, अंधविश्वास में परिणत हो जाती है। तब भगवान शिव का वैराग्यमय स्वरूप उन्हीं मर्यादाओं का उपहास करता दिखाई देता है जो उनके विवाह में सीधा सीधा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके विवाह में दो बातें बहुत ध्यान से हम लोग देखते हैं। जब नारद जी ने मैना को और हिमवान को पार्वती के होने वाले भाई के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वो कैसे दिखने में होंगे, उनका स्वरूप क्या होगा, इसके बावजूद क्योंकि वे अजन्मा हैं और निराकार हैं, गुण दोष सबसे परे हैं, इसलिए उनके पास अगर दिखने वाली कोई चीज अगर अमंगलकारी भी है तो भी उनके पास जाकर के वो मंगलकारी हो जाती है। इतना स्पष्ट रूप से बताए जाने के बावजूद क्या मैना उनके स्वरूप के बारे में पहले से नहीं जानती थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि वो कैसे आएंगे या किस प्रकार से दिखाई देंगे? उसके बावजूद कल्पना इस प्रकार की करना कि दूल्हा सुंदर होकर के सुंदर सा हो और अच्छा सा मोर धारण किया हुआ हो, कोई अमंगल वस्तु उसके पास ना हो, ये तो कल्पना ही बेकार हो जाती है जब उन्हें पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया था। फिर भी भगवान शिव के स्वरूप को देख करके वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बेहोश हो जाती है और वहीं जब भगवान शिव का ये स्वरूप ऐसा क्यों है तो भगवान शिव का जो गले में जो सर्प है उसको काम सर्प माना गया है। विनय पत्रिका में उसको काम का प्रतीक माना गया है। तो काम के प्रतीक उस सर्प को अपने आसपास रहने के बावजूद भी जिन्हें उस जिन्हें उसका भय नहीं है, यानी कि जिसने काम को जीत लिया हो, ऐसा स्वरूप है भगवान शिव का। भस्म क्यों धारण करते हैं? व्यक्ति वस्तुतः जब तक संसार में है तब तक नाम से बंधा हुआ है, इस शरीर से बंधा हुआ है और इस शरीर के साथ उसके कर्म से बंधे हुए हैं। उसका परिवार, उसके मित्र, उसके संबंधी, उसका धन, बहुत सारी चीजें हैं जो इस शरीर के साथ बंधी हुई हैं। समाज में हम लोग एक मृत शरीर को अमंगल मानते हैं और जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार को जल्दी इस बात की मची रहती है कि इसको जल्दी से जाकर के इसका दाह संस्कार कर दें। उसके बाद दाह संस्कार के बाद व्यक्ति इस शरीर के बंधन से मुक्त हो गया। शरीर के बंधन के साथ ही उस शरीर से जुड़े हुए जितने भी विकार थे, क्रोध था, मद था, अभिमान था, उसका धन था, जो भी वस्तुएं थी, सारी चीजों से मुक्त हो गया। तो भगवान शिव का स्वरूप क्या कहता है कि भाई तुम भी मुक्त हो,
इन सारे आदमियों व्याधियों से तुम भी मुक्त हो और मैं भी चिर मुक्त हूं। अब मेरे तुम्हारे में कोई भेद नहीं रह गया, इसलिए भगवान शिव के दृष्टि में उससे बढ़कर के पवित्र और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने चीता के बस उधार कर दिया। मैना यह भी सोच सकती थी कि जिसने अपने गले में निरंतर विद्यमान रहने वाले सर्प जैसे विषैले और अमंगल जीव को भी शादी जैसे पवित्र समय में एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं रखा, वे अपनी अर्धांगिनी उसको एक पल के लिए भी अपने जीवन से कैसे दूर रख सकता है। लेकिन व्यक्ति की जो पुरुषार्थवादी दृष्टि होती है ना, जो बुद्धिवादी दृष्टि होती है, वो उस पर तर्क करती है और यहां तक नहीं पहुंच पाती, इससे वो भ्रमित हो जाती है। दूसरी चीज है कि विवाह में बड़ा ही एक सुंदर है मौर धारण किया जाता है दूल्हे द्वारा, और कई जगह से हमारे घर में तो परंपरा है कि मौर को रखते हैं घर में, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जहां पर मौर को फिर नदी में बहा दिया जाता है। ये वास्तव में शिव की दृष्टि में जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसके अनुसार व्यक्ति के स्वार्थपरता का बिल्कुल भी उदाहरण हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को आपने अपने मस्तक पर सजाया, अपने महत्वपूर्ण समय आप अपने शीर्ष पर धारण करते हैं, जब उसकी आवश्यकता पूरी हो गई तो उसे आपने ऐसे दूर करके नदी में बहा दिया। भगवान शिव कौन सा मौर धारण करते हैं, अपने जटाओं को ही मौर के रूप में धारण कर लेते हैं और सदा उसी मौर के साथ रहे। उन्होंने अपने जीवन में जो भी उनके प्रिय हैं किसी भी परिस्थिति में अपने से दूर नहीं रखा। इसलिए मैना की दृष्टि यहां पर यदि बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर उठ करके यदि भक्ति पूर्वक भक्ति वाली दृष्टि में अगर लग जाती तो उनको सत्य के दर्शन हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और भगवान शिव का यह स्वरूप था ये कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि को बिल्कुल जो सार्थक दृष्टि है उस रूप में लाने का एक प्रयास था जिसमें वो पूरी तरीके से सफल रह करके बड़ा ही आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया।